हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन हम लेकर आते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हमारे एक स्टूडेंट से, जो कि जब हमारे पास आए थे बिल्कुल फ्रेशर थे। इनकी बात पूरी सुनिए आप, जो आज डबल डेकर भी बना के डन कर लिए सेट। और ये पहला सेट नहीं है फ्रेंड्स, इन्होंने तीन तीन डुअल डेकर सेट बना चुके हैं। और डुअल डेकर में भी ओनली A50 नहीं बल्कि J7 भी इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा और भी सैमसंग के मॉडल इन्होंने बनाए हैं। A50 का अभी इस वीडियो में आप देखेंगे, इसमें भी डुअल डेकर इन्होंने बनाया है। और फ्रेंड, जब ये आए थे इनको रिबॉलिंग भी सही तरह से नहीं आती थी। हम इनको पहले रिबॉलिंग सिखाए, उसके बाद एक नॉर्मल IC लगाने निकालने के लिए हर एक स्टूडेंट को एक 4G का बोर्ड देते हैं। उसके बाद इनको दो बोर्ड सैमसंग के दिए, जिसमें ये व्हाइट पेस्टेड ओपन किए। इसके बाद दो बोर्ड हम इनको ब्लैक पेस्टेड दिए, जिसमें इन्होंने निकाल के रिबॉल करके क्लीन करके वापस लगाकर सेट को ऑन किया। उसके बाद फ्रेंड्स, ये तो हैंड स्किल की बात, हर रोज इनसे हम डायग्राम बनाए, जितने भी सेक्शंस होते हैं सारे सेक्शंस के हम सर्किट के डायग्राम्स इनसे बनाने लगवाते हैं, ताकि ये दोनों चीज आनी चाहिए, हैंड स्किल के काम और दूसरा है आपको सर्किट की नॉलेज, दोनों भी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। अभी ये स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र से है, इनका देखिए आप डुअल डेकर इन्होंने डन किया है लाइव पूरी क्लास के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि अकेले बैठ के किए हैं या बोर्ड यहाँ पे स्वाइपिंग करा दी। स्टूडेंट जो होते हैं फ्रेंड्स, अपने साथ काफी सारे सेट लेकर आते हैं, और जो बच्चे हमारे पास डुअल डेकर के सेट लेकर आते हैं, हम उन्हीं से लाइव सामने बिठाकर उनसे करवाते हैं। एक एक बच्चे के साथ हमारे पास टीचर साथ में होते हैं और सबसे हम डन करवाते हैं, चाहे वो CPU 100% आप CPU इजी वन शॉट में लगाने वाले यहां से बन कर जाएंगे, चाहे CPU हो, चाहे MMC हो, चाहे Power IC हो, वन शॉट में आप इजीली लगाकर यहां से जा सकते हैं। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट दे। और हाँ फ्रेंड, आपको भी इनके जैसा सीखना है तो आ जाइए। नेक्स्ट बैच हमारा 27 जून से है, 27 तारीख से बैच है, लिमिटेड सीटें हैं, ओनली 20 स्टूडेंट्स ही हम लेते हैं, ज्यादा बच्चों को यहाँ पे 40-40, 50-50 बच्चों को हम लोग नहीं भरते हैं। तो आ जाइए, अपने आप को अपडेट करिए, 3 से 4 फैकल्टी होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, तो आ जाइए अपने आपको अपडेट करिए। अगर आपको इंस्टीट्यूट घूमना नहीं है, आपको 4-5 इंस्टीट्यूट में जाके सीखना नहीं है, एक जगह से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो फोनफिट हैदराबाद टीम के साथ जुड़ जाइए। और बहुत ही चले, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आऊंगा, एक नया अपडेट लेकर आऊंगा फोनफिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ और इसी तरह से अपने आपको अपडेट करते रहिए और अपने बिजनेस में आगे जाइए और अपना मार्केट के अंदर बहुत सारी इज्जत को कमाइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट से डुअल डेकर करवाते हैं और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी CPU पहले निकाला, उसके बाद RAM निकाले और दोनों ये रिवॉल्व किए और अपने काउंटर पे यहाँ पे बैठ के, मेन काउंटर पे बैठ के इनसे ये करवाया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये डुअल डेकर का वीडियो जब फ्रेशर स्टूडेंट करते हैं तो कम से कम ये घंटा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो टीचर पूरा दिन लगा देते हैं फ्रेंड्स, वो तो कोई बात नहीं, बल्कि एक एक घंटे का यहाँ पे हमारे पास वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये क्योंकि आने वाले बच्चों को कैसा काम कराया जाता है ये दिखाना होता है, अदरवाइज हम वीडियो वगैरह भी नहीं बनाते। क्योंकि जो बच्चे हमारे जाकर के काम कर रहे हैं, इनके पोस्ट आप फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब की कम्युनिटी पर देखिए या फिर हमारे व्हाट्सअप स्टेटस पर देखिए, आप यहाँ पे आपको इनके पोस्ट दिख जाएंगे कि बच्चे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है फ्रेंड्स, कि एक फ्रेशर बच्चे से भी फोनफिक्स हैदराबाद की टीम कैसे यहाँ पे काम निकलवा लेती है, यही आपको दिखाने का मकसद है कि लोग जो है इंडिया के अंदर इस चीज़ को हवा बना के रखते हैं, बड़ा सा करके चढ़ा करके आपको दिखाते हैं, एक ये सैप वो सैप ये आर ये MR फलां फलां कोर्सों के नाम लगा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई बोलता है माइक्रो लेवल, कोई बोलता है चिप लेवल, कोई बोलता है एडवांस लेवल। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, मोबाइल का जो काम होता है फ्रेंड्स पूरा, इसके लोग जो है अपने अपने हिसाब से इसका नाम लगा दिए हैं। कोई कुछ सैप बोलेगा, कोई DR बोलेगा, कोई चिप लेवल बोलेगा, कोई माइक्रो लेवल बोलेगा, कोई अपने आप को बेस्ट बोलेगा, कोई दुनिया का बेस्ट बोलेगा, कोई वर्ल्ड यूनिवर्स बेस्ट बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। दोस्तों, आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में मत रखिए। और बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे भी जो आकर यूट्यूब पे दो दो घंटे लाइव आकर के टाइम पास करेंगे आपके साथ, क्योंकि उनके पास काम धंधा कुछ होता नहीं है, बच्चों के साथ वो टाइम पास करते बैठते हैं, ये वो बातें करेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मोबाइल आपको बनाने आना चाहिए और कस्टमर से हमारा मेन मोटिव होता है, कस्टमर से पैसे निकलवाना, मोबाइल को वापस जाने नहीं देने का, ये हमारा मेन मोटिव होता है। लेकिन बहुत सारे ट्रेनर से बच्चों को
ऐसे चीज़ों में लगा देते हैं, वो काम धंधा छोड़ के बस फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे आके बस टाइम पास करते रहेंगे, नीचे कमेंट करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, बाद में वो एक दूसरे से गाली गलौज भी कर लेते हैं, बात यहाँ तक चले जाती है कि वो लड़ाई झगड़ा पर भी आ जाते हैं, दुकानों तक भी पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों जो काम करते हैं, जिसके पास काम होता है, वो ये सब बेकार की चीज़ों में फंसते नहीं है। हमारा मेन मोटिव होता है बच्चों को काम सिखाना, और स्टूडेंट का मोटिव ये होना चाहिए कि मैं अच्छे से काम सीखूं और अपने काउंटर पे जो काउंटर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका सलूशन ढूंढूं और कस्टमर के मोबाइल बना के दूं, ताकि उसी से हमारी इनकम होती है, उसी से हमारा पैसा आता है, उसी से हमारा घर चलता है। तो फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आप ज़्यादातर देखेंगे, हम लोग ये बेकारी की चीज़ें करते नहीं, हम सिर्फ काम करके दिखाते हैं और स्टूडेंट से काम करवा के दिखाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स हैं जो सिर्फ अपन खुद काम करके दिखाएंगे, लेकिन बच्चों से वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स खुद काम करना और बच्चों से करवाने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फ़र्क होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो चलिए अगर आना है फोन फिक्स हैदराबाद आ जाइए। चलिए स्टूडेंट का रिव्यू लेते हैं बोर्ड थोड़ा ठंडा होने के बाद, जुड़े रहिए लास्ट तक। जरा ले लेना। इधर बता देना, ऑन कर देना, ऐसा ऑन कर देना। ओके, डन हो गया। अच्छा कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया सर। पहली बार करे आप? पहली बार करे, कम से कम 10 महीने से मेरे शॉप में मोबाइल पड़ा था। 10 महीने से पड़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ से सीखे ये सब? ये सर फोन फिक्स हैदराबाद। फोन फिक्स हैदराबाद से। एक बार बता देना, ठीक है, अपना लोगो भी आ गया, फोन ऑन भी हो जाता अभी, और क्या क्या मॉडल बनाए अभी तक ड्यूएल टेकर के अंदर तुम? जे7 प्राइम बनाया, ड्यूएल टेकर है, J7 भी बनाए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है नहीं बना सकते, पूरा ऑन हो गया फोन, एक बार बता देना, ठीक है। ओके चलो, पासवर्ड होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पासवर्ड नहीं है तो भी चलता, खाली ऑन हुए तो बस है, ठीक है। तो अभी तुम अकेले कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं? सभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कैसा करा रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया। कितना घंटे का टाइम दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए? कम से कम प्रैक्टिस का टाइम का भी बोले ना तो सर 2 से कम से कम 9, 9:30 या 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक है, ठीक है। तुम कुछ भी बोले तो बताते या इग्नोर कर देते? या नहीं, इंस्टेंट बता देते। इंस्टेंट बता देते, ठीक है। पहले क्या करते थे, आपको कितना डिफरेंस है आफ्टर कोर्स के बाद? ये 10 दिन का कोर्स ही हुआ अपना, 10-12 दिन का कोर्स हुआ सर। पहले थोड़ी बहुत रिवॉल्विंग कर लेता था मैं छोटी मोटी आईसी की, लेकिन उसमें भी एक एक दो दो बॉल मिस रह जाते। अभी वैसी सिचुएशन है सर, वन शॉट में सीपीयू कौन सा भी रहो, मैं अभी ये तो प्रॉपर समझो एग्जोनोस का सीपीयू है, इसको भी मैं यूनिवर्सल पे वन शॉट में रेडी कर सकता हूँ। वेरी नाइस, प्रैक्टिस हुआ सर। तो प्रैक्टिकल जो अच्छा मिल रहा है इसलिए आप काम कर सक रहे, और बाकी का डायग्राम जो पढ़ाते हैं उसके बारे में, फिर सर कैसा पढ़ाते डायग्राम? फॉल्ट फाइंडिंग में इतना ईजी हो गया डायग्राम की वजह से, इतना समझ में आया। पहले भी मैं नेट से डायग्राम डाउनलोड करता था, मेरे पास बोरेना वगैरह नहीं था, उसमें से सैमसंग के कुछ डायग्राम डाउनलोड करता था, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। अच्छा, ये किधर से क्या जा रहा है क्या नहीं, बस ब्लॉक ब्लॉक, ये लाइन इधर वो लाइन उधर। बट आज मेरे को कौन से भी मोबाइल का डायग्राम, तुम आईसी का भी डायग्राम बनाने को लगाओगे 100 लेक्स तक, तो मैं बना दूंगा वो डायग्राम। देख डायग्राम बना देंगे, स्कीमेटिक देख के जो है उसका डाटा शीट बना देंगे पूरा, ठीक है। वेरी नाइस। और जो तुम्हारे को लाइव क्लास के अंदर जो फोन्स बना के बताते हैं, ठीक है, ये किसके फोन्स रहते हैं भाई? हमारे ही रहते सर। तुम्हारे फोन्स के अंदर ही बताते हैं, लाइव बताते हैं प्रैक्टिकल? लाइव सर, ठीक है। ड्यूएल टेकर भी लाइव बताते हैं, सब चीज लाइव बताते हैं? यस सर, सब लाइव, ठीक है। अच्छा कौन बताते हैं भाई? सागर सर। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। कैसा लग रहा, कोई भी आना है तो फोन फिक्स चेंज करना है तो क्या बोलते हैं उन लोगों के लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर बिल्कुल आ सकता है सर, जिसको सीखना है, आगे बढ़ना है काम के लिए। अभी मैं 10-1 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ गई सर मेरे से, काम हो नहीं पा रहा है। ऐसे मोबाइल आ गए सर ड्यूल डेकर, खाली चार्जिंग जैक चेंज करने का काम नहीं है, बहुत सारा काम बढ़ गया सर। अभी यहाँ पे आने के बाद में समझ में आया मेरे को कि मोबाइल में इतने सारे काम अलग अलग रह सकते, खाली एक छोटी मोटी आईसी पावर आईसी देख के उसको हिट मार के होता है तो ठीक है, नहीं तो अभी ये
मेरे बहुत नजदीक का दोस्त है, उसका हैंडसेट है। अच्छा। उसने फेंक के मारा था, हालांकि 5,000 रुपए दिया उसने, मैंने उसका ओरिजिनल एलसीडी लाया। अच्छा। फ्रेम के साथ में सब चेंज किया, डन कर दिया। तीसरे दिन वो वापस लेके आया चार्जिंग लोगों के लिए मेरे पास। अच्छा, एंगल लोगों में आ गया, तुम्हारा रिटर्न देखे गया। तो तब से मैंने इसकी कम से कम स्क्रैप बोर्ड में से भी आईसी निकाल के लगवा दी, पावर आईसी। बस इसके अलावा, पावर आईसी के अलावा ज्यादा कुछ तो जानकारी है नहीं। अच्छा। मतलब जो जानकारी वही तक बंदा काम करेगा, उसके आगे कैसे काम करेगा सर। ओके ओके। आज यहाँ पे मैं इसीलिए सोच रहा था, ये फोन मेरे हाथ से ही बनाना है। तो अभी और भी मेरे दो दोस्त के फोन है सर, M31S है, वो तो मेरे क्लाइंट का है बोलेंगे, तो वो शॉप वाला है सर मेरे पास। अच्छा। या फाइनली ये बात बोलो, बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकता सर, अपने से बना सकते? अपने से बनाऊंगा। इजी है, बहुत इजी लग रहा है। ट्रिक भी इजी है? ट्रिक भी बहुत इजी है। ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ड्यूअल टेकर, कोई भी टाइप, जो J7 में प्राइम का बना है, आप J7 और एक J7 का बनाए, ये वाले मॉडल्स के अंदर ड्यूअल टेकर इतना पतला आता, बहुत सारे टेक्नीशियन नहीं बना सकते। ठीक है, तुम जो वन शॉट में बनाइए तो इतना इजी ट्रिक जो है यहाँ बताते, इसे आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर एक मेन बात ऐसी, ऐसा लग रहा है नहीं अपने इंस्टीट्यूट में आए। ठीक है, क्या है सागर सर, ये कैसा करना है? 2 मिनट में सागर सर बताते थी। सागर सर बहुत फ्रेंडली है, और सबसे मेन बात सागर सर, लाओ इधर मैं बना के देता हूँ, ये बात नहीं। कोई भी चीज पूछो, 10 बार पूछो, 2 मिनट बोल देते ऐसा करो, इसमें से चेक करो, अगर दिमाग में 20 दिन के अंदर दिमाग में से निकल ही जाता है। ये फोन इतना छोटा दिखता है लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा है सब कुछ। स्टडी करने में जाएगा ना तो सालों लग जाते हैं सर परफेक्शन आने। ये 20 दिन में इतना नॉलेज दे रहे, बहुत बड़ी बात है सर। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक ये लेवल तक काम करूंगा। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैं सोच रहा था अभी मैं कुछ कभी मूव ऑन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि चार्जिंग जैक बदल बदल के लाइफ तो नहीं चलती सर। अच्छा अच्छा। जो अपडेट होने वाले हैं बंदे, उन लोगों को सबको यही चीज है, तो अपडेट होना है तो आ सकते हैं इधर। बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र तुम घर का कुणाला यायचा असेल बिल्कुल या, वाटलंस तर माझं औरंगाबाद येथे शॉप आहे, एकदा मला व्हिजिट करा, माझं काम बघा, त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचा निर्णय डन करा। मी असंच केलं होतं, बीडच्या आपल्या बीडचे काही कार्यकर्ते होते ते इकडे येऊन गेलेले होते, मी 6 महिने त्यांचा फॉलोअप घेतला, 6 महिन्यानंतर मला त्यांचा ॲड्रेस मिळाला, मी त्यांना जाऊन भेटलो, त्यांचं काम बघितलं, सगळ्या गोष्टी बघितल्या, त्यांच्यासोबत चर्चा केली, त्याच्यानंतर मी इकडे यायचं मन बनवलं। इकडे यायच्या 8 दिवस अगोदर मी त्यांना व्हिजिट करून आलो होतो। बिलकुल, तुम्हाला यायचं तर बिलकुल येऊ शकता। ओके, थँक्यू भाई।